महिला जज वर्षा शर्मा का दिल से अभिनंदन करता हूँ, जो इंदौर मध्य प्रदेश में जिला और सत्र न्यायालय की न्यायाधीश हैं। एक बड़ी घटना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा जो देश में पहली बार घटित हुई है, जिससे आम आदमी सुख और चैन की सांस ले रहा है। सभी दिल से न्यायालय का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा 20 अप्रैल 2018 को 3 माह 4 दिन की बच्ची को सोते वक्त उठाकर आरोपी ले जाता है, रेप करता है, जघन्य हत्या कर देता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजय गड़के की गिरफ्तारी के बाद महज 7 दिनों में डीएनए टेस्ट लेने सहित अन्य जो भी जांच की औपचारिकताएं हैं, समस्त औपचारिकताएं पुलिस पूरी करती है और न्यायालय को चार्जशीट सौंपती है। न्यायालय ने, जिसकी न्यायाधीश हैं वर्षा शर्मा, उन्होंने 1 मई से सुनवाई प्रारंभ किया और लगातार 6-7 घंटे तक सुनवाई किया। तमाम जो गवाह थे उनको पेश कराया, आरोपी को भी उसको अपने पक्ष में कहने का समय दिया और सब कुछ करने के बाद 12 मई को उन्होंने आरोपी अजय गड़के को फांसी की सज़ा दे दिया। इस मामले में न्यायाधीश वर्षा शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामना। देश के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके लिए भी यह सबब बनेगा। उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आरोपी को बचाव का पूरा मौका देते हुए, डिजिटलाइजेशन है, न्यायालय भी इस समय संचार क्रांति से जुड़े हुए हैं और पुलिस थाने भी जुड़े हुए हैं, ऐसे में बहुत दिनों तक ऐसे सुनवाई करना और आरोपी को बचने का मौका देना यह उपयुक्त नहीं है। इस मामले में पास्को एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसे भी इस मामले में हम देख रहे हैं कि शीघ्र सुनवाई और अविलंब निर्णय का जो प्रावधान किया गया है उसे भी देख रहा हूँ। कुल मिलाकर के जो वर्षा शर्मा ने टिप्पणी किया है कि ऐसे आरोपी जो जघन्यतम और क्रूरतम अपराध कारित करने के लिए दोषी हैं, यह गैंग्रीन के समान हैं। जिस प्रकार डॉक्टर गैंग्रीन हो जाता है और उस पार्ट को काट करके निकाल देता है, ऐसे ही समाज में इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें ऐसे लोगों को काट करके निकालना ही होगा। ऐसे लोग समाज के कोढ़ और कलंक हैं। पुनः मैं बधाई देता हूँ न्यायाधीश वर्षा शर्मा को और पुलिस विभाग को भी बधाई देता हूँ और देश में जो भी न्यायाधीश हैं उनसे भी इस बात की आदरपूर्वक अपेक्षा करूँगा कि ऐसे मामले में कदापि विलंब उचित नहीं है। मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।